दरगाह का नाम क्या है? मोहब्बत शाह। अभी एग्जाम आए थे, आप ही देखा है। हाँ, शेर दिखाती है मुझको, यानी अपना रुख दिखा के मुझे दीवाना कर दिया। तेरे हुस्न ने यार मुझे मस्ताना कर दिया। तेरे हुस्न ने यार मुझे मस्ताना कर दिया। ये काफी लोगों ने इसको मेरा पढ़ा, लेकिन इसको मैंने 8-9 साल से पढ़ना भी छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, अब आन के ये मेरा यूट्यूब पर हिट हुआ। मेरे एक दो आइटम हिट नहीं है, काफी आइटम हिट लिखे। सुनिए चाचा, शेर मजर भाई सुने। तुमको क्या मालूम क्या, अरे तुमको क्या मालूम क्या होती है चाहत पीर की। देती है चाहत पीर की। मैं तो इतना जानता हूं ये कर्म की बात है, मैं तो इतना जानता हूं ये कर्म की बात है, मैं तो मैं तो इतना जानता हूं ये कर्म की बात है, क्यों सुरखुरु में आज भी हूं, आज भी हूं सुरखुरु में आज भी हूं, है विनायक पीर की। कठिन डगर बन गए की भी फरमाइश है, वो भी मैं दूंगा, आपकी फरमाइश है, सभी का देना हूं, लेकिन ये शेर सुन लीजिएगा। पी रहे हैं जामे उल्फत देख के तस्वीर सूरत पीर की।
इसके बाद सजदा जाए मैं ठीक है। तो सांस सांस भरती पीत करी ना ऐसी सी कि जैसे लंबी खजूर छड़े सो प्रेम रस सके गिरे तो चकना चूर। आज बहुत कठिन है मोहब्बत करते कि नहीं करते चार मसले दे रहा हूं आपको। क्या नाम है? सुशील भैया। सुशील भैया मेरा शेर सुनो, अच्छा लगे तो जरा दुआओं से नवाज दो। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं। ये भी हम इससे मोहब्बत कौन करता है सुशील भैया? आप करते कि हम करते हैं? देखिए हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं। कब्रों से पूछ असली जिम्मेदार हम ही तो हैं। वो औरतें जो चल के गंगा में बह गए, अरे मिट्टी में मिट्टे मिट्टी के हकदार हम ही तो हैं। बहुत कठिन है डगर सुशील भैया चार मिसरे और जरा जरा सुनिएगा। हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए। सुशील भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन आपकी मोहब्बत देख रहा हूं आप जैसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो जाए तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना रहे। हिंदुस्तान बाहर के देशों की तरह हो जाए। शेर सुनेगा, मोहब्बत वो बड़ी चीज है। शेर दे रहा हूं, शेर सुने। हम वतन है हमें बेसूद न समझा जाए, फूल के हार को बारूद न समझा जाए। जो है मुझने वो उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। बहुत ही Yeah.
भाई का है, यशराज भाई, यशराज भाई, देशराज आगे आओ जरा, सुशील भैया आप भी सुनो, आप कह रहे हैं ये शेर, बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है, नेहरू के भी ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर कौम के रहने का यहाँ हक है बराबर, अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, बहुत ही कठिन है डगर, बहुत सराज भैया शेर दे रहा हूं मैं आपसे, चचा सुने शेर, कर सियासत की अंधेरों में उलझ जाओगी, घर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे, मेरा दावा है बहुत रोगे पछताओगे, मस्जिदें तोड़ दो, अरे भगवान ये कब कहता है, आओ मंदिर ये मेहमान कब कहता है, अरे बात तो जब है कि हर एक से मोहब्बत कीजिए, अरे कोई भी धर्म हो तो धर्म की इज्जत कीजिए, वरना बहुत जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, अरे सीधा करो तो अल्लाह बने, टेढ़ा करो तो ओ बहुत ये इंजीनियर साहब की दोबारा फरमाइश है, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, अरे सीधा करो तो अल्लाह बने, टेढ़ा करो तो ओम बहुत कम, कठिन है डगर, भैया चाहे जितने तक दस के दे दो पर बहुत कठिन है डगर, जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, प्रेम की गंगा बहती है तू बहने दो, मजाक खान साहब कह रहे मैं नहीं कह रही, प्रेम की गंगा बहती है तू बहने दो, क्यों करती हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे पीले रंगों में मत बांटो, अरे छत के ऊपर एक तिलक यार रहने दो, कैसे मैं भाई
नगर शेर दे रहा हूं, जरा सुने। मेरे दादा मोहतरम खान अभी पेंटर साहब क्या कहते हैं, चचा शेर माशाल्लाह क्या फरमाइश दी है आपने। झगड़े कहां तक कोई सुलझाए, जिसे अंदर हाफुर तक उस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा, इधर पत्थर का पूजन है इधर है मतलब ही सजदा, ये है मंदिर का शेदाई ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच ये है जन्नत का मतवाला, इधर बीड़ा हो में चक्कर इधर बीड़ा हो में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर तो इधर काबी में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को मोसा है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित करते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा कि वो काबी में रहता है, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह ईश्वर कैद शिवानर में हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का, और जन्नत अल्लाह वानर में। अरे राम की पड़ गई खींचा ताली, राम फंसे जल जालन में बहुत कठिन है डगर है। क्या बात कही है चचा, ये आपके लिए बंदिश है माशाल्लाह, मेरा मूड बनना है जरा दे रहा हूं और जरा सुने। यूं समझ ले पी लिया जैसे जाम तल तल तल, इश्क का आगाज़ शी
पीरी है मगर अंजाम तल पी के मजनू ने जहां में नाम रोशन कर लिया तो जहां कासिद रहे और मजनू ने सौदा सर लिया था असल से ला इलाहा उसकी किस्मत में लिखा तो ला इलाहा फिर मुत्तकिल शक्ल लैला में हुआ मशहूर तब मजनू हुआ लैला का दीवाना फना रुखी दिलबर का परवाना दौड़ता फिरता था सेरा में बेखौफो खतर मजनू लैला न कोई शेर उसे आती नजर एक बाबिल बंदगी हक में वहां मसरूफ था यानी नमाज़े हक वो उज्जा पे करता था अदा तो दौड़ता मजनू सजदे के आगे से निकल कर चल दिया तो शेख जी ने देख कर गुस्से में मजनू से कहा अरे नाना इतना क्या नहीं जानता सामने होकर के सजदे के गुजरना है मना तो बोला मजनू ये तो मैं भी जानता हूँ शेख जी माफ कर दीजिएगा हजरत माफ ये गलती मेरी कसम लैला की अल्लाह की नहीं कसम लैला की किबला मुझको ये दिखा नहीं वरना मैं सजदे के आगे से कभी जाता नहीं यानी इश्क में औरत की यानी इश्क में लैला की इस कदर मदहोश हूँ अपनी दुनिया माफिया से भी बेहोश हूँ अपनी दुनिया माफिया से भी बेहोश हूँ बंदगी हक की जो करता था तू जाहिद अगर तू सामने सजदे के मैं तुझे किस तरह आया नजर सामने सजदे के मैं तुझे किस तरह आया नजर अरे उसके मिलने का तरीका तू मुझसे सीख ले अरे तोड़ दे तस्बीह अपनी और मुसल्ला फेंक दे झुका के गर्दन अपनी दिल के अंदर देख ले वरना बहुत कमल कठिन है नगर घर में ये शेर दे रहा हूं भैया एचआर भैया ये आपको दे रहा हूं भगवान को झूठी चीज चढ़ा सकते हैं नहीं लेकिन भगवान ने पूरी सब चीजें भगवान ने बनाई हैं लेकिन जरा सुनिए हम भगवान को झूठी चीज चढ़ाते हैं और वो कैसे चढ़ाते हैं जरा सुनिए वो कह रहा है कि पूज मुझको मैं कह रहा हूं कि सामने आ जिसे सेवा में तुम्हारी चोट से रोशन है सूरज चंद्र और तारे ये कंधे है अगर दीपक तुमको दिखाऊं मैं तुम्ही मूर्तियों में व्यापक हो तुम्ही फूलों में व्यापक हो तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं भोग धरना ये भी एक अपमान है तेरा खिलाता है जमाने को तुझे कैसे खिलाऊं मैं अब सुन क्योंकि न सीना है न गर्दन है न पैरों है न पेशानी तू है निर्णय पुनारायण कहां चंदन लगाऊं मैं ये सब कुछ जो करूं ना
यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो करूँ ना, यानी जल जो चढ़ाऊ तो कचमच पिया करे। यानी भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मगरमच्छ मछलियाँ पी जाती हैं, वो झूठ हो गया। जल जो चढ़ाऊ तो कचमच पिया करे, चलो दूध जो चढ़ाऊ वो तो साफ है, दूध जो चढ़ाऊ तो वो बच्चा का झुटार है। यानी सबसे पहले भैंस का बच्चा पीता है तो वो बच्चा का झुटार है। मेवा मिष्ठान वामी माँ की माचर मुंह डाल जाते हैं। यानी पत्र जो चढ़ाऊ तो फ्रेश की उजार है। यानी एक वस्त्र ना तो तल पर एक चढ़त कहते लम जलित बलम यूलत बलम या कुल लहू कुफ बना है। यानी एक वस्त्र ना तो तल पर एक चढ़ते, जहाँ से महाराज मुड़ी कोड़ी नमस्कार नहीं बहुत कर। ये दुनिया एक मंडी यानी पैसे की पगडंडी, हर चीज यहाँ पर बिकती है, जिंसने यहाँ पर सस्ती है, किस्मत बिकती, शान बिकती, शौकत बिकती, गली गली में अदब बिकती, कदम कदम पर इज्जत बिकती, ऋषियों के में ख्याल बिकते, पीरों के फरमान बिकते, बाजारों में ईमा बिकते, ताबीजों में कुरा बिकते, मुल्ला बिकते, पंडित बिकते, साधु बिकते, पीर बिकते, मस्जिद बिकते, मंदिर बिकते, टकटी में शंकर बिकते, गोरे बिकते, काले बिकते, मौलवान के हाले बिकते, मधोची के प्याले बिकते, तीर्थ घाट वाले बिकते, दोजख बिकती, जन्नत बिकती, पूजा पाठ इबादत बिकती। ऐ खुदा बेहतर है कि तू पर्दे में है, वरना तुझको भी भेज डाले, मगर खैर तो ये है इनको तेरा पता नहीं।
हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम लेती है? क्या लेती है? नहीं लेती? लेती, लेती? हाँ सुनो, मौजू तो बहुत पुराना है लेकिन खाका नहीं रहा है। सुनो, श्री लखमन लखन सिया ने गंगा का छोड़ो तट, यानी भस्मी लगाई, शीश पर बांधे जटा मुकट, पहुंची वो चलते चलते किसी ग्राम के निकट, वैद ही की तरफ चली। शुक्रिया। नारियां झपट झपट व्याकुल ग्राम वासनी, सब प्रेम हित हुई, दर्शन मुखारविंद के पाकर चकित हुई। पूछा जनक दुलारी से कि तुम कैसे आई हो, जंगल में कैसे फिरती हो, किसकी सताई हो, किस बाप की हो पुत्री, किस माँ की जाई हो, किसकी वधु हो, चरणों में किसके समाई हो। तो बोली श्री शिया, ना किसी की सताई हूँ, बल्कि वन में मुचरने स्वामी की सेवा में आई हूँ। पुत्री जनक की, पृथ्वी माता की जाई हूँ, जिनकी वधु हूँ, चरणों में उनके समाई हूँ। तो रिश्ते और रखबर का नाम पूछा तो उसका के कह गई, नहीं बात लीजिए। सुने, अच्छा सुनिए, गावे सुने सुने शाबाश भाई, शाबाश भाई, हाँ शेर बैठो, शाबाश भाई, हाँ चचा है कि अभी जरा उसके अंदर दो तीन शेर और लगाओ डगर बनकर तुम्हें। लीजिए चचा जरा सुने, सोना कहे सुनार से, शरद भाई शेर सुने कि उत्तम मेरी जात, ये काले मुंह की घूंची दुली हमारे साथ। तो बोली घूंची, मैं जंगल की लाकड़ी हूँ, लाल की लाल, अरे काला मुंह जब से हुआ दुली नीच के साथ, काला मुंह जब से हुआ दुली नीच के। लेकिन इससे पहले ये चार मिसरे दे रहा हूं, जरा ये सुनिए। मदर भाई आप भी क्या मिला जब आप जल से पतला ज्ञान है,